ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਜਵਾਨੋ ਨਈ ਰੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी। शुरू राणा साहब आ गए ने रेंच लेके, इन्हां दे इरादे बहुत खतरनाक लग रहे ने मैनू। सकलैन भाई, शादी से पहले जिस बेड को खोला था और उस घर से यहाँ लेके आए थे ना, सेम उसी बेड को यहाँ से खोल के उस तरफ लेके जाना है। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं राणा साहब, करांगे ही इंशाल्लाह। दो बंदे ऐड करने पड़ेंगे, कर लेंगे। फिलहाल एक खोलिए तो सही। पहले अपना इरादा था कि शादी के बाद उधर ही हम रहेंगे, इधर नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि उस घर मेहमान थे, वो घर बिजी था, फिर हमने ये प्लान बनाया कि मैं और मेरी वाइफ कुछ दिन इधर रुकेंगे। तो अभी कुछ दिन हो चुके हैं, मेहमान चले गए हुए हैं, घर खाली पड़ा हुआ है। अभी भाई साहब अपना सामान समेटते हैं और चलते हैं उस घर, बेड शेड लेके। पर यह मेला छड़ना चाहिए था, सकलैन वाली, सकलैन भाई वाली बात, वो घर बहुत 1.5-2 साल से खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसा ऐसा खराब हो रहा है उस घर पर भी आपकी जरूरत है। से पहुंचवाते बेड के एक्सपर्ट सकलैन भाई। सकलैन भाई इतने एक्सपर्ट हो गए हैं ना भाई साहब, स्पीड में बेड को खोलते हैं और सेट कर देते हैं भाई साहब, इनकी बड़ी स्पीड है। ला बड़ा तेरा राणा, जा जा दले की हो गए। सकलैन भाई परसों चले जाएंगे हमें छोड़ के, आपकी याद हमें सताएगी। सकलैन भाई पहले मैं तरस रहा था, अभी आप तरसेंगे। सब लंबा टूर है लाइफ का, सबसे बड़ा ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਕਲੈਨ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਖੋਬੀ ਨੇ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ, ਤਾਂ ਤਬੀ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਲਗਾ ਹੁਆ ਥਾ ਬੈਡ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। राणा साहब उन्होंने नहीं काम करता, नहीं कल्ले हाथ ही मुका गया तू तो काम। सकलैन भाई को मैंने अभी हाथ नहीं लगाने दिया, नेट जो है ना वो मैंने ऑलमोस्ट सारे खोल दिए हैं, आपको सिखा रहा हूँ मैं अभी। सकलैन भाई आप बेफिक्र हो जाएं अपनी शादी पे। अच्छा, सारे काम वाला ठेका मैंने दे दियो। ओए जना, सारे काम मुकाते तो फिर राखी एक्सपर्ट हो गया मुंडा। जैन भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा शादी? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेड को खोल लिया है, अभी शिफ्ट करना है। तो अभी मैं और सकलैन भाई हैं, थोड़ी देर बाद भाई मुदस्सर भी आ जाएंगे और दानिश भाई भी आ जाएंगे। तो जो मुश्किल काम है ना, ये वाला और वो वाला, ये बाद में हम कर लेंगे, बाकी सामान जो है ना अभी शिफ्ट करते हैं। चलिए सकलैन भाई। और तेरा लेवल है राणा, खाइया खाइया। दानिश भाई आ चुके हैं माशाल्लाह। दानिश भाई पहले मैं आप लोगों के हाथ से निकला था, अभी सकलैन भाई थोड़े दिनों तक निकल जाएंगे। भाई साहब इतना सामान आ चुका है, दो ड्रेसिंग टेबल आ गए हैं, ये बेड की कुछ चीज़ें आ गई हैं, अभी बेड की जो मेन चीज़ है ना वो पीछे वाली वो चीज़ रह गई है। तो अभी दानिश भाई आ गए हैं ना, सकलैन भाई समोसे खा लें, फिर अभी वो लेके आते हैं इंशाल्लाह। भाई मुदस्सर अभी तक नहीं आए, भाई मुदस्सर आते हैं ना तो फिर वो ड्रेसिंग आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ड्रेसिंग टेबल को लेके आएंगे। ओके राणा साहब, ओके आनेगा से हो नहीं आनेगा से हो, कोरियन जुबान सीख रहे हैं दानिश भाई और भाई मुदस्सर भी। अभी जी हम लेके जा रहे हैं मैट्रेस। सकलैन भाई जितनी स्पीड में चलेंगे ना उतनी स्पीड में मैं चलूंगा। सकलैन भाई दानिश भाई वो एक चीज लेके जा रहे हैं बेड की, रेल गाड़ी छिक छिक छिक, रेल गाड़ी छिक छिक छिक। तोर पाई यार राणा, पैर पोट लै नहीं दी साथ तोड़ियां, आयो आयो अल्लाह वाला तोड़ा। सबसे ज्यादा मुश्किल इसको यहाँ से टर्न करना है। सकलैन भाई आराम नाल रख ला, रख ला सा मार लो। सकी भाई की हाल है, ठीक हो ना? सलम हो गए सकलैन दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इसे बाइक पे रख के हम ले आए हैं। इन दो बंदों की हो चुकी है लड़ाई। दानिश भाई कह रहे हैं सकलैन भाई को कि आप मोटे हो गए हुए हैं। अभी वो बात नहीं रही, सकलैन भाई ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए यहाँ पे 23 पुशअप्स लगाए हैं और अभी दानिश भाई जो है ना 30 पुशअप लगाएंगे अपनी फिटनेस साबित करने के लिए। हाँ जी, तो इसी सही लाग। हाँ जी हाँ जी, है चलो चलो दानिश भाई, जुती लाला है तू तो ले लिया जाता सही यार। 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 राणा साहब वेल डन। चलो डंड वेख के मुंडे जी, त्रेई तू नहीं, तू थले तो जा, तू थले जाइना।
ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੇ ਜੀ ਅਭੀ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਲਗਾਏਂਗੇ। 26 27 28 39 30 31 32 33 34 के साथ बड़ी मुश्किल से 35। सकलैन भाई आप पुशअप्स लगाएं, आप छलांगे लगाएं, जो मर्जी करें, शादी 2026 में। भाई मुदस्सर आ चुके हैं जी माशाल्लाह, और अभी सबसे मुश्किल ड्रेसिंग टेबल इसको लेके जाना है। यार कितनी मुश्किल से ऊपर भाई पे नहीं ऊपर लेके तुम पता किंज लानी है, इसलिए तो सद्या चले जी मुश्किल मरहले से आप निकल गए हैं, यहाँ से इसे मोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल था। शकिया पली पली गॉल है कोरियन गॉल है कोरियन माशाल्लाह ये बात, हम कामयाबी के साथ कामयाब हो चुके हैं। ओके देन क्लियर, थोड़ा लेवल है। बहुत शुक्रिया जवानो। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने किचन में ऑलमोस्ट चीज़ें जो है ना वो पूरी हैं। जो भी चीज़ कम है ना, मैंने वाइफ को बोला था कि आप देखते रहना, जो भी चीज़ कम हो उसको लिख लेना, वो चीज़ जो है ना आपको मैं ला के दे दूंगा। अभी वाइफ तो गई हुई है, तो वो थोड़े दिन तक वापस आ जाएंगी, तो वो डर है इधर ही आएंगी। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे वो आती है ना फिर इधर रहना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आप सब लोग दुआ कीजिएगा, नई लाइफ शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में रह रहा था ना मैं, उसमें तो सब थे उधर, तो इतना फील नहीं हुआ। अभी यहाँ पे रहा करूंगा तो थोड़ा फील होगा। बाकी आप सबकी दुआओं की जरूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। तो खैर मैंने उनको बोल दिया हुआ है कि कोई भी चीज चाहिए हो, कुछ नहीं आया हुआ, कोई बर्तन नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो आपने लिख लेना है, वो सारी चीजें जो है ना मैं आपको ला दूंगा। घर बनाना फिर आसान है, घर को बसाना जो है ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल है भाई साहब। तो अभी काफी सारा सामान है जो उस घर से इधर आना है। तो रमजान भी आ रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हमारा रमजान यानी मेरी और मेरी वाइफ का रमजान इस घर में ही गुजरने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले हमारा प्लान था कि रमजान के बाद शिफ्ट होंगे, लेकिन फिर प्लान बना के नहीं, हम रमजान से पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो रमजान के शुरू में हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इधर ही होंगे। तो सारी चीजें जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट होती रहेंगी वक्त के साथ। ऐसे कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है चीजों को, ऐसे नहीं होता भाई साहब। तो टाइम लगेगा, सारी चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। और अभी थोड़ी देर में मैं और अम्मी जान जा रहे हैं रमजान के लिए ही ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो इस घर के लिए भी थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग मैं कर लाऊंगा, बाकी जो है ना वो गाँव वाले घर के लिए करनी है, बाकी थोड़ी सी इधर के लिए भी करूंगा, क्योंकि दो लोग होंगे हम तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फिर भी थोड़ी बहुत चीजें जो है ना वो मैं ले आऊंगा, कुछ सामान रहता है वो कल लेके आऊंगा, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं और अम्मी जान निकलेंगे और ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। बाकी जो मर्जी हो जाए, सकलैन भाई की शादी जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2026 में हो जाएगी, अल्लाह पाक खैर करें। ਮੈਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 24 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। मैं और अम्मी जान अभी हम जा रहे हैं भाई मुकरम के गाँव, भाई मुकरम के गाँव अम्मी जान ने, भाई मुकरम की अम्मी जान से मिलना है, उनसे मिलेंगे और फिर वापसी पर रमजान के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग थोड़ी सी करनी है साथ वाले गाँव से, वो करेंगे देन वापस आ जाएंगे। और हम जा रहे हैं बाइक पे अपनी टुनुनुनु पे। चलिए जी चलते हैं, मार्शल साहब जरा सैर दे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी। वो मुंडा तो यहाँ पे ब्याह है, फिर आंदे लभदा भी नहीं। लभना कित्थों है? हाँ जी गल है।
नहीं नहीं वो तो होना ही फिर एक ना एक दिन तो भी लबा करांगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जा रहे हैं भाई मुकरम के घर। तो मैंने भाई मुकरम को बोला है कि पसंद करें कौन सी बर्फी या कौन सी मिठाई आपके घर लेके जाए। भाई जान कर लो पसंद, मजाक नहीं करता बाद ना आखियो तू तू आ दे मेरे भाई है तो ही मैं समझना। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भाई मुकरम के घर पहुंच चुके हैं। वेलकम, थैंक यू सो मच भाई जान। आजकल बंदा नायाब हो चुका है क्योंकि शादी के बाद जाहिर है बड़े बड़े नायाब हो जाते हैं। काम भी नायाब हो जाते हैं। काम मिल रहे हैं भाई अपने, लेकिन इनकी मोहब्बत स्पेशल मिलने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच भाई जान, ऑलवेज वेलकम भाई जान। तो भाई जान ने ना चाय बनवा ली है और साथ बिस्किट भी, तो रास्ते से ही भाई ने बिस्किट उठा लिए थे। ये रहे थे कि चावल भी आपको खिलाएं, लेकिन चावल वाला बंदा धोखा दे, नहीं वो ठेका किसी और का ना, आपके हाथ में होता तो फिर तो मसला ही नहीं था। असल में देख वाले चावल जो है ना वो चाह रहे थे हम, तो वो जरा थोड़ा सिलसिला दूर का था। चलें कोई नहीं, एक कप चाय। आए हाय आए हाय, देख के जो चावल है ना वो बने हुए हैं भाई मुकल्लफ भाई मुकरम के छोटे भाई जो है ना उनके दोस्त के यहाँ। तो मैंने रिक्वेस्ट तो की है फरीदा लंगर खाते ही के हेदे वलीमे दे तौर जाने हैं। अगर हम चले भी जाए ना उधर वो जाने वाले हैं सारे, कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ जाके अच्छा नहीं लगता। नहीं कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमने जाना नहीं। हाँ याद है कल्लब भाई जो दोस्त दा वलीमा ही खादा है। हाँ जी तुहानू भी इनवाइट कीता है। हाँ जी उत्थे ही वो महफिल हुंदी भी है, जो भी प्रोग्राम है उत्थे ही उसका आ रही। जाने को हम जा सकते हैं, आपको पता ही है कि वलीमा किसी का हो मैं जा रहा हूं लंगर खाने। लंगर बारे लंगर के मामले में हम नहीं शर्माते, सिंपल सी बात है। लंगर भूख लगी दी है तो दसांगे कि हां जी भूख लगी दी है लंगर खाने, सिंपल क्लोज। खैर एक कप चाय आए हाय आए हाय। तो अभी जनाब लूणे बिस्कुट डोब डोब खाने हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गुस्सा कर गया मुंडा साडा। देखो इंतजार कर कर के कर कर के आखिरकार फिर मेहमान सारे फ्री हो ना, मैं थोड़े को खाना ले आया जेड़ा नहीं जेड़ा बच गया साडे लिए आ गया। नहीं कोई गल नहीं, चावल मीठे लोने मुबारक हो सर, मुबारक हो। चावल अगर खाना गोश्त खाना है तो दोबारा तैयार करवाने पे फिर थोड़ी देर टाइम लगना सर, अहीं चावल ही खावांगे बस। थैंक यू सो मच सर, एनी मोहब्बत ली कीमती टाइम काट के आए। टाइम करदा भाई हुन तुहानू गरम कर पाणे, तुसीं ड्यूटी ते जाओ। भाई मुकरम लोग माशाल्लाह इतनी खिदमत कर रहे हैं कि क्या बताऊं आपको। सर आपकी बात रुकती है माशाल्लाह, जब हम जाते हैं ना जैन भाई के पास तो हमें भी बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है। तो जाहिर है जब जैन भाई आते हैं तो अपना भी फर्ज बनता है, वहाँ पे हमें इससे ज्यादा मोहब्बत मिलती है। थैंक यू सो मच। देख के चावल नमकीन चावल माशाल्लाह, मीठे चावल और यहाँ सबसे जबरदस्त चीज है मटन पाए। ओए होए होए, कह रहे थे ना गोश्त नहीं मिला, तो इत्तेफाकन अब जब ये शोरबा ऊपर ढलेगा। ओए और पीछे अयान बेटा खड़ा है माशाल्लाह, अयान को कुछ चाहिए सदके, क्या चाहिए? पहले चाचू को मुबारक नहीं दी, चाची की मुबारक दे दो यार। खैर मुबारक, शर्मांदा मुंडा थोड़ा। भाई मुकरम के घर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, हम बहुत ज्यादा लेट हो गए। तो फिर जो रमजान के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी ना वो भाई साहब रह गई, तो ग्रोसरी शॉपिंग जो है ना वो हो गई हुई है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, जैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज।